हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसके चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फैब्रिक एंड कार्डबोर्ड का जो मेरा फ़ोटो फ्रेम है उसका आइडिया। तो इसके लिए हम लोगों को कार्डबोर्ड को जो मेरा फ़ोटो है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ का काट लेना है और फिर अपना फ़ोटो का जो मेज़रमेंट है वो चारों तरफ स्केल और पेन और पेंसिल के मदद से मार्क कर लेना है। फिर हम लोग मेरा जो फ़ोटो है उससे थोड़ा सा छोटा साइज़ का मार्क कर लेंगे क्योंकि हम लोग को अंदर से काट लेना है और इसका चारों तरफ का जो कार्डबोर्ड है एज अ फ़ोटो फ्रेम का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो अभी मैंने ये काट लिया है, आप देख सकते हैं। तो और फिर मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉटन फैब्रिक। ये जो फैब्रिक है ये मैंने जो मेरा लास्ट DIY आइडिया था प्लांटर का उसमें भी यूज़ किया है, आप वो भी मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूँगी। तो जो मेरा फैब्रिक है उसको मैं फेविकॉल ग्लू के मदद से धीरे धीरे जो मेरा फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ ऐसे लगा रही हूँ। तो आप कॉटन का ही फैब्रिक यूज़ कीजिए तो इससे आपका जो फ्रेम का स्ट्रक्चर है उसमें सिरवटे नहीं आएगा और ये पूरा सीधा और स्मूथ दिखेगा सरफेस। मेरे पास जो फैब्रिक था ये ऐसे ही शेप में था। अगर आप दूसरा फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो आप पहले इसको लंबा लंबा काट के इसके मेज़रमेंट के हिसाब से बना लीजिए और फिर आपका फेविकॉल या फिर कोई सा भी ग्लू की मदद से इसको आप चिपका सकते हैं। तो मैंने इसे एक तरफ का दिखाया है, ऐसे मैंने चारों तरफ इसको लगा लिया है, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने इसको सुखाने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो मेरा फ्रेम अभी रेडी हो चुका है। अभी हम लोग पेन से चारों तरफ मार्क कर लेंगे क्योंकि जब ग्लू चिपकाएंगे तो ये चारों तरफ से सीधा रहे। तो मैंने चिपका दिया है ग्लू से। अभी स्केल की मदद से हम लोग इसको हैंग करने के लिए रोप इसमें अटैच करेंगे। तो स्केल की मदद से इसका मिडिल पॉइंट माप के इसका रोप अटैच करके देख सकते हैं हम लोग हैंग कर लिया है। तो अगर आपको ये DIY पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।